मैं आया था यहाँ जाकपुर पे, तो ये भाई मिल गए अपने, तो ये अपने यूपी के हैं, आप कहाँ के हैं भाई? हमारा जिला है रुदौली, जिला हमारा फैजाबाद है, थाना हमारा मवई है, अच्छा पोस्ट पकड़िया गांव हरिहरपुर, छोटा है, बड़ा स्थान हमारा रुदौली है, तहसील हमारा भेलसर है। भेलसर है। आप यहाँ कितने साल हो गए रहते हुए? हमको 7 साल हो गया। 7 साल हो गए। अच्छा आपकी सैलरी यहाँ पे क्या मिल रही है? अरबी में बताइए कि हिंदी में बताइए? हिंदी में बताओ, अपने इंडिया के हिंदी में हमारा 100 दिनार है। 100 दिनार है यहाँ? हाँ, 7 साल हो गए अभी, 100 दिनार है। नए पे जब 7 साल पहले आए थे, नैन पर हम आए हैं 100 दिनार पर। 7 साल पहले जब आए थे तब से 100 दिनार है? 7वां साल चालू है मुझे। नहीं, जब पहले आप 7 साल पहले आए थे कुवैत में तब 100 था, 100 दे रहे थे। हाँ, तो बढ़ाए नहीं आपकी सैलरी? अभी बढ़ा नहीं, लेकिन इस बार बढ़ेगा। तो आप ये अभी बकरी देख रहे हैं यहाँ पे? बस बकरी देखेगा, बस मुमकिन से 1 महीना इसका इसके पास रहेगा, बकरी के पास बस। ये इनका घर है, यहीं पर ये रहते हैं, यही बनाते हैं, खाते हैं। तो ये भाई मुझे मिले, मैं यहाँ पर आया था जाकपुर में। हाँ। और अभी ये काम, पहले क्या काम करते थे? हम खाना काम करते हैं, खाना बनाते थे। हाँ। अच्छा, अभी मेरा यहाँ पे नया आदमी आएगा, वीजा मैं निकाल दिया हूँ 20 तारीख अगले महीने में। उसका मेडिकल वोडकल सब हो गया है, अभी ये महीना में रमजान में आ जाए तो हम चला जाएगा घर पे उसके। अच्छा, रमजान में वो यहाँ पर रहिए तो मैं चले जाएगा घर पे खाना वाना बना। खाना वाना बना, हमारा वही काम है और दूसरा काम नहीं। पूरा मैदान है ये, यहाँ पे घर नहीं है कोई का, यहाँ पे ठंडियों में आते हैं कोयती लोग ज़्यादा। तो यहाँ पे बकरी चराई जाती हैं कुवैत में, पूरी बाउंड्री है, बाउंड्री से बाहर नहीं जाएंगे ये। साथ में देखने वाला ये आदमी है, देखभाल करता है इनकी। कुवैत में बकरी चराई नहीं जाती, इसको चराते नहीं हैं, पर 2-3 घंटा इसमें घुमा लेते हैं। इस एरिया में अपना अपना बाउंड्री बनाया होता है। पहले यहाँ कौन रहा है, दूसरा आदमी रहा है? हमारा भाई। किधर खेमा है भाई उनका, तुम्हारा? हमारा खेमा वहाँ उस साइड में है, गर्मी से ठंडी के सीजन में खेमा लगा था गर्मी में। हाँ, ठंडी में ये लोग आते हैं, इधर रहते हैं। हाँ, तो 4 ठेने लेके आया है। अच्छा, वो खेमा उचार का फिर रख के वो लोग चले गए, सावधानी आए घर पे कोई थी उसको कैंसिल कर दिया, तो दूसरा निकाला। देखो दोनों साथ, दोनों भाई साथ में आए थे? नहीं, मैं उससे पहले आया हूँ। अच्छा, आपको 7 साल हुआ, अपने भाई को कितने साल हुआ? वो तो 22 महीना रह के चला गया, वो भी बहुत पुराना है, वो 3 सफर सऊदीया गया, 1 सफर कुवैत आया, फिर दूसरे सफर कुवैत आया। तो यही पर रहते थे? नहीं, तो सऊदीया में 3 सफर वो, 1 सफर वो ओखरा में काम कर गया, फिर हम वीजा निकाला, फिर इसके पास आया, इसके पास फिर 22 महीना काम किया, फिर कैंसिल करके भेज दिया। वीजा तुमने निकाला था अपने भाई का? हाँ, मैं निकाला, और फिर हमें निकाला वीजा, फिर दूसरे आदमी बुला रहे हैं, फिर दूसरा आदमी आएगा। तुमको मालूम है कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पर? सही है। हाँ, तकलीफ कोई नहीं है। जैसे सऊदी बकरी चलाते हैं बहुत दूर, वहाँ पानी वानी नहीं मिलता। यहाँ पे क्या है, सऊदी में बद्दू लोग हैं। हाँ, बद्दू नहीं है यहाँ पे, बहुत अच्छा है, यहाँ रसीदी लोग हैं। वोट यहाँ चलाते नहीं ना, चलाते क्या, खोल के ले जाते हैं, बस खोल के 2 घंटा यहाँ घुमा लिया पूरे मैदान में, खुले मैदान में, उसके बाद ला के आपने यहाँ पे बंद कर दिया। सही है, यहाँ पे घास तो है ही नहीं, हरियाली है ही नहीं ना। घास ये नहीं, बरखा में खूब घास होते, बरखा है नहीं, बरखा यहाँ होता नहीं, ठंडी में थोड़ा पानी गिरता है ना हल्का, ठंडी में पानी गिरता है थोड़ा सा नहीं, बस उसके बाद घास हरी आ जाती, वही खाओ तो वही चरत है बस, उसके बाद अब बकरी घूम रही है। तुम अपन यहाँ पर हो? हाँ, हम तो यहाँ पर, कोई देखना नहीं है कि यहाँ किसी के खेत में चली जाएंगी या कोई पकड़ ले जाएगा? नहीं है, इंडिया जैसा नहीं है यहाँ पर, इंडिया जैसा नहीं है, ये तो खोल दी चाहे जहाँ चली जाए, चाहे जाए, कोई डर नहीं है यहाँ पर, कोई डर नहीं है, मुश्किल नहीं है, खाली पाछे पाछे लगे रहो बस। अच्छा, कहीं जाए ना पाओ? नहीं, सही है, कोई चली ना जाए, डर है थोड़ा। हाँ, बस एक दूसरे बकरी में मिल जाएगा तो बकरी देगा, देगा नहीं वो, ऊँट का है तो निशान बना है, नंबर पड़ा हुआ है, बकरी में कोई नंबर नहीं है, ऊँट पे निशान पड़ा, नंबर पड़ा होता है, कितने नंबर है, नंबर पड़ा हुआ है काले वाले। तो ये यहाँ पे बकरी चरा रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत सही है, 100 दिनार सैलरी मिल रही है, और ऊपर से भी इनको पैसे मिल जाते हैं महीने के 20-30 दिनार 40 दिनार। कपिल ने इनको पूरा छूट दिया है कि मेरा काम करने के बाद तुम बाहर भी काम कर सकते हो, मेरे बकरी को पानी पिला दो, खाना खिला दो, उसके बाद बाहर जाके
अच्छा पैसा कमाते हैं ये भी बाहर से। ऊँट सबका नंबर पड़ा। अच्छा जितना कपिल का ऊँट होता है एक ही नंबर होता है ना सबके ऊपर? हाँ, सब एक ही नंबर, एक नंबर रहेगा यानी पता चल जाएगा कपिल का ऊँट। हाँ, बस एक ही। बकरी में ऐसा कोई इंसान नहीं होता? नहीं, बकरी का खाली कान में लगता है नंबर, कबूतर का रिजल में लागत है। हाँ, पैर में लगता है रिजल। हाँ, बाज और कबूतर के पैर में, पैर में वो कोई तीन नंबर रहता है। हाँ, टेलीफोन नंबर रहता है, टेलीफोन नंबर रहता है। बहुत महंगे महंगे बाज, बहुत महंगे महंगे आते हैं। अरे एक दिन यहीं बाज पकड़ता तो मैं इंडिया के 1,00,000 रुपया कमा लेता। तो कुवैत में यहाँ बकरी चराना नहीं पड़ता मैं सुना हूँ? यहाँ पे बकरी घास वास है ही नहीं? घास नहीं है, कहाँ खुला है इसमें क्या? हाँ, ये थोड़ा बहुत घास ऐसे रहता है, इसमें घुमा लेते हो? बस वही में घुमा के। कितना घंटा घुमाते चलाते हो इसमें? लगभग 3 घंटा। कहाँ कौन काम ही है? 2-3 घंटा यहाँ पे घुमा लिया, पानी दे दिया, बस काम खत्म। उसके बाद कोई काम, उसके बाद काम नहीं है कोई भी? तो मान के 100 दिनार तनख्वाह है मेरा। कबीर ये बोलता है बुधरा तुम इधर उधर काम करो, मुश्किल नहीं है, जो कमाओ जो रिक्स हुआ तुमको अल्लाह दे। और मैं इधर चबहिया पे नहीं, चपकी में मैं 50-60 दिनार कमा ली थी बाहर। बाहर से अपने सैलरी अलग है, बाहर से कमा लेते हो? चपदी बाहर से कमा लेते, चपदी में जाकुर में जो है वहाँ पे जाकुर बने होते हैं दूसरे के, जैसे बुड्ढा आपके चला गया दूसरे के यहाँ जाकर काम कर लिया, पानी डाल दिया तो पैसे मिल जाते हैं। हाँ, मेरा बुड्ढा बोलता है तुम जाओ उधर उधर काम करो, खाली हम फोन करी तो मेरे झाकरों में रहो, बस तुम इधर उधर काम करो, मुश्किल नहीं। तो जब से मैं यहाँ आया जब से 29 दिनार पाया, अभी 1 महीना हुआ है। 29 दिनार? हाँ, इकरामिया। अच्छा, यहाँ पे अलग मिल रहा है? हाँ, सैलरी से अलग है, सैलरी से अलग। हाँ, यानी 100 दिनार आपको दे रहा है? हाँ, 29 दिनार मिला है। और 29 दिनार उसको अलग, 30 दिनार दे रहा है, अलग मिल गया है, अलग मिला है। 2-4 दिनार ऐसे बीच बीच में, 5 दिनार, 8 दिनार, 5 दिनार ऐसा मिलता है। तो महीने में 30 दिनार 29 दिनार ऐसे मिल जाता है। अच्छा है फिर यार, अगर 100 दिनार कपिल दे रहा है, ऊपर से कमा रहे हैं, कपिल ने आपको छूट दिया है तो बहुत अच्छा है। हम लोग घर खाते में हैं, घर में काम करते हैं ड्राइवर लाइन में, मैं नहीं हो सकता। 7वां साल चालू है अभी, मैं 1 रुपया में कभी साबुन नहीं लेके आया अपने पैसे से लगाने के लिए, अपने रुपए से अभी तक साबुन भी नहीं लाए हैं। अभी 1 महीना हमको हुआ है, 40 दिनार का सामान मेरा कपिल लेके दिया है। अच्छा, कपिल तुम्हारा बहुत अच्छा है फिर? बहुत अच्छा है, कोई चीज अगर इतना चीज अगर मांगोगे तो बोलो बाबा ये चीज नहीं है मेरे पास, तुरंत फोन कर, तुरंत लेके आएगा फटाक, ये भी नहीं कहेगा नहीं लेके आएगा। ठीक है भाई, फिर चलते हैं।